एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर प्रॉब्लम्स क्या हो रही है इस गेम के अंदर मैं आपको यहां पर बताता हूं, और इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो डोंट वरी गाइज, वीडियो को पूरा देखना, आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो ग्लोबल SDK इनिट फेल्ड वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आप इंडिया से हो या फिर अदर कंट्री से हो। तो डोंट वरी, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इसे फिक्स्ड करने का। ओके, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले तो गाइज, अगर आपका ये क्लिक वगैरह नहीं हो रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं गाइस। आपको कैसे क्या करना है वो चीज मैं आपको बताता हूं, टेंशन ना लो दोस्तों। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करनी क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे चले जाना है। तो गूगल पे मैं चलता हूं। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है गेम स्किल्स, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। जी हां, आपको गूगल पे चली जानी है। गूगल पे जाने के बाद आपको गेम स्किल्स आपको सर्च करना है। यहां पर जाने के बाद पहले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है, फर्स्ट वेबसाइट पर चले जाना है, और ऊपर में एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है तो ऊपर में सर्च कर लेना DNS का। यहाँ DNS आप लोग सर्च कर लेना। अगर आपके फोन में DNS है तो काफी अच्छी बात है, अगर DNS नहीं है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, डोंट वरी गाइस। ओके, तो यहाँ पर DNS सर्च करना है, और सबसे पहले वाला जो आपको पोस्ट देखने को मिला है इस वाले पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा सा नीचे चले आना है, नीचे चले आना है, और भी यहाँ पर और भी नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर DNS कोड देखने को मिला है, तो आपको सीधा सा यह क्या करना है, इस DNS कोड को कॉपी करना है। और आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग के ऑप्शन के अंदर चले जाना है। यहां पर आने के बाद आपको एक प्राइवेट DNS का ऑप्शन देखने को मिलता है और डेस्टिनेटेड प्राइवेट DNS का ऑप्शन देखने को मिलता है। ओके, तो यहां पर लाने के बाद जो कोड को कभी आपने कॉपी किया है उसे आपको सीधा सा पेस्ट कर देना है। ओके, तो सबसे पहले यह ट्रिक फॉलो कर लेना है। अगर आपके पास DNS है तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको दूसरा ट्रिक क्या करना है वो चीज मैं आपको बताता हूं। ऊपर में सर्च करना है VPN गाइस। जी हां, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर सर्च कर लेना VPN। जैसे आप VPN को सर्च करोगे तो आपको सामने कुछ इस तरह का पोस्ट देखने को मिलेगा VPN से रिलेटेड, तो आपको इस पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। ओके, इस पोस्ट पर मैं तो गेम स्किल्स जो वेबसाइट है ना उसी के अंदर VPN आपको देखने को मिलेगा। तो VPN जैसे ही सर्च करोगे आपको यहां पे चले आना है। यहां पर जैसे ही आओगे तो आपको सीधा सा नीचे चले आना है दोस्तों। ओके, तो सीधा सा मैं नीचे चलता हूं। नीचे चलता हूं तो यहां पर क्लिक हेयर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो क्लिक हेयर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देनी है गाइस। ओके, तो चलिए मेरा यहां पर क्लिक हेयर पर बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है, और जस्ट अ सेकेंड आपको वेट करना गाइस। और जो भी चैनल पर अभी तक नए होंगे ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसने भी नहीं किया होगा प्लीज यार कर देना सब्सक्राइब। तो हमारा यहां पर टाइमिंग खत्म होने वाला है और मैं आपको दिखाता हूं गाइस कैसे क्या करना है दोस्तों। ओके, तो हमारे ये टाइमिंग खत्म होने वाला ही है, डोंट वरी गाइस। तो यहां पर हमारा टाइमिंग जो है फाइनली 6 5 4 3 2 1 एंड देन 0। आपको क्या करना है, सीधा से जैसे ही खत्म होगा डाउनलोड फाइल पे क्लिक करना है, और आपको क्या करना है दोस्तों, ओपन आपको कर लेना है दोस्तों। जी हाँ, आपको इस VPN को ओपन कर लेना है डाउनलोड करने के बाद। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में स्किप ऐड का ऑप्शन आएगा तो स्किप ऐड कर देना, और ब्लू वाला एक बटन देखने को मिलेगा तो ब्लू वाले बटन पर आपको सीधा सा क्लिक कर देना है दोस्तों। ओके, तो लोडिंग VPN का ऑप्शन आएगा और आपका जो यहाँ पर VPN जो है वो कनेक्ट हो चुका है, वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। अब वापस से आपको ये गेम को ओपन करना है दोस्तों। ओके ना, तो चलिए मैं इस गेम को वापस से ओपन करता हूँ, और आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका मैं सॉल्यूशन करके आपको मैं दिखाता हूँ गाइस, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर फाइनली ओपन हो रहा है, और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो सारा सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर से। ओके ना, तो चलिए यहाँ पर हो चुका है, तो ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। टेंशन ना लो दोस्तों, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हो ना, तो हो जाएगा डोंट वरी। तो यहाँ पर फाइनली जस्ट लोडिंग ले रहा है, जब तक वेट कर लेगा ही जस्ट लोड ले रहा है, तो लोड लेने देता हूँ मैं जब तक, देखता हूँ क्या होता है। लोड फाइनली हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट वेट कर लो, आपको मैं दिखाता हूँ हर एक स्टेप करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। ओके ना, तो यहाँ पर जस्ट लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो वापस यहाँ पर ग्लोबल SDK इनिट फेल्ड वाला प्रॉब्लम आएगा, तो आपको नीचे में आपको यहाँ पर आई हैव रीड एनॉलेज पे आपको क्लिक कर देना है, और आपको इस एग्रीमेंट को आपको यहाँ पर जो है आपको फिल कर देनी है दोस्तों। याद रखना, आप एक बार क्लिक करोगे तो बाई चांस आपका नहीं होगा, तो जस्ट आपको थोड़ा सा वेट कर देना है। नीचे वाले बटन पर आपको यहाँ पर जो आपको फिलिंग वाला देखने को मिला ना, आई हैव रीड नॉलेजेबल, तो नॉलेज यहाँ पर एक नॉलेज पर आपको क्लिक करना, इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ एग्रीमेंट टाइप का देखने को मिलेगा। तो फाइनली ये खुल नहीं रहा है, तो जस्ट आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है दोस्तों। ओके,
तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ गाइज, देखता हूँ कब तक ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एग्रीमेंट जो है यहाँ पर आ चुका है, तो नीचे वाले एग्रीमेंट पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। ओके, एग्रीमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है, जिससे भी आप लॉगिन होना चाहते हैं लॉगिन हो जाना। मैं यहाँ पर अभी फिलहाल गेस्ट आई डी से आप सभी को लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं गेस्ट आई डी से लॉगिन करता हूँ और देखता हूँ गाइज क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर मेरा गेस्ट आई डी चल रहा है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल फिर भी अभी वही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग देख सकते हो। ये वाला प्रॉब्लम आप सभी को अभी भी देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ओके ना। तो एस डी के वाला भी प्रॉब्लम देखने को मिला, वो चीज़ फिर से दिखाता हूँ क्या होता है। ओके, तो फाइनली गाइज मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है सभी के फ़ोन में आ रहा है, तो जस्ट आप लोग वेट कर लेना दोस्तों। जी हाँ, जस्ट आप लोग वेट कर लेना, ये सभी के फ़ोन में आ रहा है, तो आप लोग वेट कर लेना दोस्तों, ओके ना। तो फिलहाल वीडियो में बस यही था गाइज, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, सॉरी सॉरी गाइज, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। तो यहाँ पर फाइनली इस तरह का आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो जस्ट आपको वेट कर लेना है गाइज। देखो यार, ये प्रॉब्लम जो है ना फाइनली गेम के तरफ से हो रहा है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। जी हाँ, ये प्रॉब्लम जो है गेम के तरफ से हो रहा है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो जस्ट आप लोग वेट कर लो गाइज, और कुछ भी नहीं, वेट करोगे तभी आपका इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं, ओके ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टाटा टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद। तो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। तो आप लोग एक बार जाकर चेक कर लेना, अगर प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाता है वीपीएन लगाने से तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप लोग जस्ट वेट कर लो दोस्तों। ओके, तो थैंक यू, लव यू गाइज।